टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वार्म अप और स्ट्रेचिंग। हाँ, आजकल ये बहुत लोगों को पसंद नहीं, बच्चे आजकल वार्म अप नहीं करना चाहते और स्ट्रेचिंग से बचते हैं, घर चले जाते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक पहलू क्या है, कोच आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने के लिए क्यों कहते हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्टर मोहनीश शर्मा का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर, बच्चे स्टेडियम में आने पर सिर्फ कोर्ट में जाते हैं, फिर प्रैक्टिस सेशन के बाद घर चले जाते हैं, वार्म अप और स्ट्रेचिंग वो करना नहीं चाहते। तो आप हमें प्लीज बताएं वार्म अप और कूल डाउन का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है। वार्म अप, हमें वार्म अप करने की आवश्यकता क्यों है उन्हें ये समझना चाहिए, क्योंकि जैसे आप घर या स्कूल से आते हैं मॉर्निंग सेशन के बाद, जब आप उठते हैं तो क्या आपने देखा है अपने पेट्स को, वे अपने परिसंचरण को बढ़ाने के लिए एक्टिविटी शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनका सर्कुलेशन बढ़ सके। ओके, ब्लड सर्कुलेशन। या ब्लड सर्कुलेशन। अब वार्म अप के फायदों की बात करते हैं जो एक बच्चे को पता होना चाहिए। सबसे पहले ये जॉइंट्स को ओपन अप करता है। नींद के बाद या सामान्य मूवमेंट के बाद जॉइंट्स की मूवमेंट्स उनकी पर्टिकुलर लिमिट तक नहीं जाती है, वे उतने मोबाइल नहीं होते जितना उन्हें होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम लिमिट जो बैडमिंटन के लिए जरूरी है। बैडमिंटन के लिए जरूरी है इसलिए कि वे खुले नहीं है। ये वार्म अप के बाद होता है, ये गति के जोड़ों के परिवर्तन को ठीक करता है। कुछ रिसर्च के अनुसार वार्म अप होने के बाद चोट लगने के चांसेस 80-90% कम हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, कम हो जाते हैं। वार्म अप भी बॉडी को एक ऑप्टिमम लेवल पर काम करने के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि आपका रिएक्शन, आपका प्रोग्रेस एक्शन, आपका मूड ऐसे एनहांस करता है जैसे आप साइकोलॉजिकल बेनिफिट महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से फोकस्ड हैं। आप पूरी तरह से इसके प्रति फोकस्ड हैं। तो आज हमें बहुत अच्छे फैक्ट्स का पता चला है, हम समझ चुके हैं, और अब हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट की ओर। डॉक्टर, या श्योर। अब हम वार्म अप एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। वार्म अप एक्सरसाइजेस हेड टू टो होनी चाहिए, ये सीक्वेंस में होनी चाहिए। मसल्स जैसे सेगमेंटल रिलैक्सेशन उसमें होगा और जॉइंट्स की सेगमेंटल ओपनिंग भी होगी। ओके, अब हम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ये दो बच्चे हैं जो वार्म अप एक्सरसाइजेस को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। सो हम हेड मूवमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। सो अप एंड डाउन हेड मूवमेंट। अब हमें हेड को साइड टू साइड मूवमेंट में चेंज करना है। अब हमें शोल्डर टच मूवमेंट में चेंज करना है। अब हमें चेंज करना है रोटेशन मूवमेंट, नेक रोटेशन मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम आते हैं नेक स्ट्रेचिंग, साइड नेक स्ट्रेच, दूसरी तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, रोटेशन स्ट्रेच, साइड रोटेशन, दूसरी तरफ। अब हम आते हैं आर्म मूवमेंट पर, रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अब रिस्ट स्ट्रेचेस, अब आगे ट्रंक क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉक, लेग्स क्रॉस फ्रंट बेंडिंग, साइड टू साइड मूवमेंट, लेग चेंज, स्कॉट स्ट्रेच, टर्न टू द साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेग स्विंग, डायगोनल क्रॉस, नाउ टो टच लेग स्विंग्स,
तो सभी बैडमिंटन फ्रेंड्स के लिए जो वहाँ हैं, अब आप जान गए हैं कि स्ट्रेचिंग और वार्म अप इस खेल के लिए कितना जरूरी है, करेक्ट? तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, और केवल PNB MetLife JBC बूट कैंप में बैडमिंटन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।